अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के हांसी जिले में लाल सड़क पर। ये वही लाल सड़क है जहां 1857 की क्रांति के समय बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन सेनानियों को अंग्रेज हुकूमत ने रोड लोडिंग जो कुचलवा दिया था, उसी शहादत दिवस के दौरान इन्होंने 23 मार्च को, जो पूरे देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके लिए किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से कई सारे जत्थे इस तरह से निकाले जा रहे हैं जो हरियाणा और आसपास के कई अन्य इलाकों से निकल के 23 मार्च को टिगरी बॉर्डर पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचकर किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पूरे जत्थे की क्या है, क्या रूपरेखा होने वाली, क्या रूट होंगे और इसके क्या है मायने, इस आंदोलन और इस यात्रा में शामिल किसान नेताओं और आम किसानों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं। ये आंदोलन जनता की कामयाबी है, चाहे सरकार इसको इग्नोर करे लेकिन कर नहीं पाएगी, तो जब जनता उठती है तो क्रांति होती है। देखिए, ये जो अभी 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिन जो है, उसके तैयारी के लिए ये जो आज हांसी से हमारा जो मार्च निकला है, पदयात्रा निकली है, ये आज यहाँ से लेकर 5 दिन चलेगी और टिकरी बॉर्डर जाएगी। कल भगत सिंह के जन्म स्थान से खटकर खला से और एक पदयात्रा निकलेगी और वो 4 दिन चल के वो सिंघू बॉर्डर पे जाएगी। हम यहाँ जन जागृति करना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर ये जो किसान आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत पूरे इलाके में करेंगे। आज जो ये हांसी की लाल सड़क से पैदल यात्रा शुरू की जा रही है और इसी तरह की एक यात्रा खटखट टोल प्लाजा चीन से यात्रा शुरू की जा रही है। ये दोनों यात्राएं जो है 3 कार्य कृषि कानूनों के खिलाफ है और जो मजदूर विरोधी श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है उनके खिलाफ ये यात्राएं शुरू की जा रही है। इनका उद्देश्य ये है कि किसान आंदोलन जो है इसको और मजबूत किया जाए, व्यापक तौर पर किसान मजदूर एकता बढ़ाई जाए। अभी ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि आंदोलन किसान पहचान से ज्यादा बढ़कर आम जनता का आंदोलन बन गया है, जिसमें खेत मजदूर, ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अभी पिछले 3 महीनों के अंदर ये देश के हर कोने के अंदर पहुंच गया है और विशेष रूप से उत्तर भारत के अंदर जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग गढ़ थे, हरियाणा हम खड़े हैं, उत्तर प्रदेश से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर गांव देहात के अंदर हो गया है। और हमारा ऐसा ये मानना है कि आज़ादी के बाद का ये आंदोलन है जो जनमानस के पटल पे चला गया है और उसका नेतृत्व आम जनता ये कर रही है। भाई हमारी सुननी चाहिए, इतने दिन किसान दुखी और ये पहले तो ऐसे भाषण दिया करता भाई किसान की आ दुगुनी करेंगे दुगुनी करेंगे। अब तो वो था जो अभी खोस लिया हमारा, वो भी नहीं छोड़ रहा हमारा पल्ला, तो किसानों की सुनवाई करनी चाहिए, इतने दिन हो गया लगे ना। ये मार्च किसान मजदूर एकता की मार्च है, शहीद यादगार पद यात्रा जो हांसी की लाल सड़क से शुरू होके किसान आंदोलन के उसको मजबूती प्रदान करने के लिए 23 तारीख को टीकरी बॉर्डर तक जाएगी। यहाँ पे आज ये किसान आंदोलन की ओर से और मजदूर आंदोलन की ओर से एक यात्रा जो शुरू की जा रही है, जिसमें मजदूर आंदोलन भी किसानों के साथ है। जो ये सरकार है ये हमारे पूरे देश को बेचने में उतारू है, इसने PSU को बेचना शुरू कर दिया है। हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलते हैं PSU, इसमें हमारी चल संपत्ति भी होती है और अचल संपत्ति भी होती है। ये चल और अचल दोनों संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है और इससे जो आम जनता है बहुत दुखी है, क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार का काम होता है बस शासन चलाना। देश की जो संपत्तियां हैं वो कभी कोई सरकार नहीं बेचती। ये जब तक मोदी सरकार नहीं मानेंगे तब तक चलेगा। सारा गांव इकट्ठा है, हमारे आसपास के सारे गांव हुए भी एकत्रित हैं, 6 जिला के हमारा गांव आए हैं, हम ही आ गए यहाँ, मैले हमारा गांव भी आगे चला गया टिकरी बॉर्डर तक। जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे वापिस नहीं आवाएंगे यहाँ। अब हरियाणा देखो, पंजाब देखो, सारा हिंदुस्तान देखो, सारे में जागृति आ गई है सारे में। और जब जनता जो मांग करेगी सरकार कैसे नहीं।
ये तय है कि ये आंदोलन एक नई दिशा तय करेगा। आप सिर्फ मांग ये नहीं है कि मांग तो जो किसानों की है वो पूरी होगी, तीन कानून तो वापस होंगे, लेकिन अभी डिस्कोर्स में ये है कि जो आपका विकास का है वो रास्ता क्या होगा। जिस तरह से आंदोलन की बढ़ता जा रहा है, मजदूर साथ में जुड़ रहे हैं, आपको पता बैंक कर्मी हड़ताल की, LIC वालों ने हड़ताल की, पूरा वित्तीय सेक्टर इसके अंदर आ गया और आने वाले दिनों के अंदर पूरा मजदूरों सेक्टर भी इसके अंदर आ रहा है। तो ये एक बड़ी वारंट लिखने वाला है कि जो देश की विकास की जो दिशा है वो क्या होगी, आम इंसान के लिए कि अदानी अंबानी के लिए। 23 मार्च को पूरे देश भर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिन के ऊपर पूरे देश में नौजवान और हमारे छात्र साथी लाखों की तादाद में इस किसान आंदोलन के समर्थन में आज रास्ते पर आ जाएंगे और उसके मुताबिक जो 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने जो दिया है तो उसको बहुत बड़े तगड़े पैमाने से कामयाब करने के लिए ये पूरा इसका मदद ज़रूर होगा। 4 महीने हो गए किसान रोड पर पड़े हैं, तो इनकी थोड़ी बहुत सोचे सरकार है, अपने वोट मांग दिया है किसान को, समझ 36 ने कमाई खुवाती है किसान। जब संसद में मोदी जी आए थे तो हमने इनका साथ दिया था, इन्हें हमारी जरूरत थी, हमने इनका साथ दिया था, तो आज किसान इतने दुखी हो रहे हैं तो मोदी जी ने किसान की सुननी चाहिए, ये बहुत जरूरी है किसान की सुननी चाहिए। किसान बहुत दुखी हो रहा है, 4 महीना तो रोड पर बैठा है, तो मोदी जी ने सुननी चाहिए। आज पूरे देश में जिस प्रकार से काले कानून किसानों के खिलाफ पास किए गए हैं, जिसके खिलाफ किसानों का बड़ा भारी आंदोलन 4 महीने के लगभग होने जा रहे चल रहा है, मजदूरों के काले कानून भी 2 दिन बाद सभी श्रम कानूनों को 4 कोड में बदल दिया गया, जिसको लेकर मजदूर आंदोलन में भी गुस्सा है। 26 नवंबर को जब किसानों की यात्रा हुई थी उसी समय मजदूरों ने भी हड़ताल की थी पूरे देश के स्तर पे, और उसी में तमाम इश्यूज को लेते हुए आज पूरा देश का मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन और जनता के तमाम तबकों को लामबंद करते हुए ये यात्रा यहाँ से चलेगी जो दिल्ली तक जाएगी। आगे का जो आंदोलन है वो जन जन व्यवस्था बदलने के लिए उतारू हो जाएगा और मोदी जी को बहुत जल्दी ये अल्टीमेटम देने की हमारे मन में शुरू हो गया है कि व्यवस्था को परिवर्तित करो। यहाँ से हमारे दादे परदादे लाल सड़क तक रोलर के नीचे पीसे थे, सुबह जगह माना हमी मैले सारे इस जगह इकट्ठे हामी और उन लोग का आंदोलन की शुरुआत करांगे, पैदल मार्च करांगे, टिकरी बॉर्डर पर जावांगे और 23 मार्च को जो भगत सिंह की शहीदी दिवस है उसको मनावांगे। मैं बहुत श्रद्धा के साथ इस धरती को नमन करती हूँ। मैं मेरे को एक नई आशा, नई ऊर्जा मिली है कि यहाँ के लोग अगर पहले आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो अब इन जीत इन्हीं की होगी। इसके अंदर किसान भी हैं, खेत मजदूर भी हैं और दूसरे मजदूर भी हैं, और इस दौरान ये गांव-गांव पे मीटिंगें करते हुए इस लंबे रास्ते को कवर करके टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। मुख्य उद्देश्य काले कानून किसानों के वापस लो, मजदूर विरोधी कोड वापस लो और जो निजीकरण की मुहिम जो सरकार ने चला दी, जो कथित देश को बिकने नहीं दूंगा, आज वो रेल बेच रहा है, बैंक बेच रहा है, बीमा बेच रहा है, टेलीकॉम बेच रहा है, आज वो कोयला खदान बेच रहा है, तमाम स्वास्थ्य सेवाएं बंद करवा रहा है, शिक्षा का निजीकरण, इस तमाम निजीकरण की मुहिम के खिलाफ और एक रोजगार का जो सवाल है सबके लिए बहुत ही अहम सवाल है, इसलिए सब जो भी स्थायी पद है चाहे राज्य सरकार में हो चाहे सेंटर में उनकी स्थायी भर्ती हो, इस अभियान को लेते हुए गांव गांव ये यात्रा जाएगी जिसको हर प्रकार की जनता का समर्थन मिल रहा है। सरकार बातचीत ना करके वो ये दिखाना चाहती है जैसे सरकार बहुत मजबूत है और लोग उससे डर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमें ये भी पता है कि दिन प्रतिदिन सरकार कमजोर हो रही है और किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है, वो एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है, उसके अंदर नए नए तमाम तबके जुड़ रहे हैं जिनको ये पता है कि उनके हित जो है वो इस किसान आंदोलन की सफलता के साथ जुड़े हुए। पिता समान माने हमने मोदी जी को, और आज एक बच्चा दुखी है तो अपने पिता के पास नहीं जाएगा और किसके पास जाएगा वो? एक हरियाणा की एक बैकग्राउंड है जनता की, BJP का एक रोल है डिवाइड एंड रूल, जनता में फूट डालो राज करो। आज इस किसान आंदोलन ने
एक बहुत ही बेहतरीन बात की, जनता के भाईचारे को मजबूत किया है। वही जो ऐतिहासिक जो चीजें हैं देश के आजादी के आंदोलन की, तमाम महापुरुषों की, उन सबको साथ समेटते हुए सामने लाके खड़ा कर दिया, जिसमें बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है। मैं मोदी सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं उनकी आवाज़ सुने और उनका दर्द समझे और ये तीनों कानून वापिस ले। हम आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, यदि सरकार नहीं माननी है। आंदोलन करेंगे हम, जिंदा नहीं करेंगे।